इंकलाब जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय जनता जिंदाबाद 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 ऐसे भाई जिंदाबाद 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 शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा शिक्षा स्वास्थ्य सबको चाहिए एक समान एक समान एक समान शिक्षा स्वास्थ्य सबको चाहिए एक समान एक समान एक समान स्वास्थ्य शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा स्वास्थ्य शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 शिक्षा को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य शिक्षा को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 अब तक 5 अलग अलग जत्थे पूरे देश में चल रहे हैं। ये जत्थे छात्रों के बीच आम जनता के बीच जाते हुए इस बात का समर्थन हासिल कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ इस शिक्षा को बचाने के लिए इस संविधान को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई छात्र लड़ेगा जो लड़ाई छात्रों के साथ साथ इस देश की आम जनता लड़ेगी उस लड़ाई में सभी लोग शामिल होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां जब आपसे पूछेगी कि जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बढ़ाया जा रहा था जब इस शिक्षा व्यवस्था को एक गरीब से दूर किया जा रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे तो आपके पास जवाब होगा कि हम उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे और उस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक इस लड़ाई में हमारी जीत नहीं हो जाती। हमारी लड़ाई है शिक्षा बचाने की। शिक्षा जो लगातार प्राइवेट हाथों में तो जा ही रही है पर सरकारी जो शिक्षा है जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में सरकारी क्षेत्र में शिक्षा भी दी जाती है उस शिक्षा को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। सरकार जो है टीचरों को भर्ती नहीं कर रही है स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है परमानेंट भर्ती उनकी नहीं हो रही है। सरकार जो लगातार नई शिक्षा नीति के माध्यम से कोशिश कर रही है कि प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा बोलबाला हो प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और जिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस जब एक बार सरकारी स्कूलों का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फीस जो है मनमानी वसूली जाएगी। अभी भी मनमानी फीस वसूली जाती है। पैसे को लेकर ये जत्था चलाया गया कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ खत्म होगा क्या उद्देश्य है? ये शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ ये हमारा अखिल भारतीय जत्था हमारे संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का 1 अगस्त से शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक ये चलेगा। जो है हमारा यह जत्था देश के अलग अलग हिस्सों में 4 जत्थों के रूप में चला है। उत्तरी भारत का जत्था हमारा 26 अगस्त को हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ उसके बाद पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होते हुए फिर यहाँ पर हरियाणा में कल और आज है और इसके बाद यहाँ से दिल्ली जाएगा। हमारा जत्था शिक्षा को बचाने की लड़ाई वो अभियान के तौर पर पूरे देश भर में ले जा रहा है क्योंकि मौजूदा सरकार ने जिस तरह की शिक्षा नीतियाँ बनाई है खास करके कोविड काल में जब पूरे देश भर में कैंपस बंद थे शिक्षक नहीं थे छात्र नहीं थे उसी समय नई शिक्षा नीति को ले आया है। ये ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें छात्रों शिक्षकों की और तमाम शिक्षाविदों की कोई राय नहीं है उनकी राय को नहीं शामिल किया गया नहीं उनसे राय मांगी गई है। देश भर में कुछ चंद लोगों ने पूरे देश भर की शिक्षा व्यवस्था का फैसला ले लिया है। यह शिक्षा नीति जो है पूरी तरह से अवैज्ञानिक है अलोकतांत्रिक है देश और छात्र विरोधी है क्योंकि शिक्षा नीति के चलते सबसे पहला काम सरकार ने किया है सरकारी खर्च को घटाने का काम किया है। अभी हरियाणा का भी आप उदाहरण देख लें तो जो चिराग योजना के तहत वो तमाम सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट निजीकरण को बढ़ावा देने में सरकार जो है निजी स्कूलों को मदद कर रही है कि हम निजी स्कूल में पढ़ने के लिए उनको सरकार जो है शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है कि आज यानी कि जिनके पास पैसा रहेगा वही लोग जो है शिक्षा हासिल कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हुआ करता था जो तमाम महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का काम करता था उसको भी नई शिक्षा नीति के तहत जो है ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले वक्त में तमाम जो सरकारी विश्वविद्यालय या सरकारी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा होगी कि तमाम वंचित तबके से आने वाले छात्र छात्रा विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में पढ़ाई अपनी नहीं कर पाएंगे। जो है उसके साथ साथ ही ये सरकार जो है अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रही है या वैज्ञानिक चीज़ों को फैलाने का काम कर रही है शिक्षा का साम्प्रदायिकरण कर रही है। तमाम शिक्षण संस्थानों में कहीं कर्मकांड कहीं ज्योतिष कहीं भूत विद्या आदि पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं ये देश को आगे नहीं ले जाएंगे ये देश को लगातार पीछे ढकेलने का काम करेंगे। जो है साथ ही जो है इन्होंने जो है पाठ्यक्रम में जिस तरह के बदलाव ले आए हैं वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक समझ को और कई संघ पुरुषवादी समझ को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी नर्सिंग के पाठ्यक्रम में इन्होंने
बेनिफिट्स ऑफ डाउरी यानी दहेज के लाभ को पढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। हमें समझते हैं कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो तमाम सामाजिक मूल्यों के साथ लड़ी गई है। सावित्रीबाई फूले ने एक लड़ाई लड़ी थी कि लड़कियों को स्कूल तक कैसे ले जाया जाए। अभी इस सरकार की कोशिश हो रही है जो मनुस्मृति के तहत इनका संविधान ये बनाना चाहते हैं और अभी इन्होंने एक 32 पेज का एक संविधान अपना नया तैयार भी किया है। उस संविधान के तहत ये चाहते भी हैं कि कुछ ही चंद लोग पढ़ पाएँ और ज़्यादा लोग पढ़ने से वंचित हो जाएँ। जो है ये नई शिक्षा नीति में हम ये इस चीज़ को साफ साफ देखते हैं। तो हमारा ये जत्था इस जो अंधविश्वास को फैलाने वाले अवैज्ञानिक चीज़ों को फैलाने वाली शिक्षा नीति का भी विरोध करता है। हमारा मानना है कि तर्कपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा, जनवादी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और साथ ही जो देश की पूरी साझी विरासत थी उसको भी सरकार अपने पूरे नीतियों के चलते, शिक्षा नीति चलते ख़त्म करने का काम कर रही है। हम उसके खिलाफ भी पूरे देश भर में एक अभियान चला रहे हैं कि हमारा देश विविधतापूर्ण देश है, एक धर्म, एक भाषा, एक सोच नहीं थोपी जा सकती है। हमारे देश की खूबसूरती यह है कि अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान के लोग हैं। यही हमारे देश को मजबूती के तौर पे आगे ले जाने का काम करेगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारा अखिल भारतीय जत्था चल रहा है। विकास स्वरूप, अखिल भारतीय केंद्रीय कमेटी सदस्य, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।